G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है। अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले। दुनिया आज भारत की ओर देख रही है क्योंकि भारत में अभी G20 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से जहां दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, वहीं भारत की जनता का भी बड़ा फायदा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये कि पहली बार भारत के हर हिस्से को विदेशी मेहमानों की खातिर करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की वजह से ही आज भारत एकजुट एक परिवार की तरह G20 में अपना योगदान दे रहा है। सड़कों पर चारों ओर साज सज्जा देखने को मिल रही है, साफ सफाई देखने को मिल रही है। जहां बाजारों में रौनक छाई हुई है, वहीं विदेशी मेहमानों की खातिर करते हुए भारतीय भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आज उन्हें भी इतने बड़े कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। जहां पहले बड़े कार्यक्रम दिल्ली तक ही सीमित रह जाते थे, वहीं आज बड़े बड़े कार्यक्रम छोटे छोटे शहरों की रौनक बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ लाखों विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति को जान रहे हैं, बल्कि सुनहरी यादों के साथ अपने देश लौट रहे हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटक भारत की ओर आकर्षित होंगे। विदेशी मेहमान देख रहे हैं कि भारत में सिर्फ ताजमहल ही नहीं है, यहाँ वाराणसी के प्राचीन घाट भी हैं, यहाँ भगवान राम का मंदिर भी है, यहाँ दुनिया के सबसे मेहनती लोग भी हैं। चलिए आज हम सब मिलकर G20 की इस कामयाबी पर माँ भारती को सलाम करते हैं। जय हिंद।